हमार विंध स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है विराट के बहेली बुलेटिन में। हम हैं पूजा। खबर रीवा से है, जहां के गढ़ थाना में आवे वाले कटरा गांव में ही गौवंश की हत्या के मामला सामने आबा है। यहां दो जने दुधारू गांव के बचवा का काट के पकाए दिन। ये घटना के पता लगता है गांव वाले हो हल्ला कर आरोपी फरार हो गए। घटना के जानकारी लगता है डायल 100 पुलिस और गढ़ के TI राम कुमार गायकवाड़ मौके में पहुंच के बचवा के बचे मांस का टोकरी के नीचे ढकवाए दिन ही। ये घटना से कटरा के धार्मिक आस्था रखे वाले लोगन का आघात लागा है और आरोपी के ऊपर कड़ी कार्रवाई करे के मांग कर रहे हम। नहीं समझ रहे हैं कि बछिया काटिन ये मतलब है, जो बड़ी काट सकते रहे तो बछिया ज़्यादातर लोग मांग कर रहे हम बाहर वाले सप्लायर वाले। ठीक है, इसको ठीक है गाँव गढ़ थाने के अंतर्गत आता है। यहाँ पे फरियादिया जो निर्मला साके उनका बछड़ा गायब हो गया, तो उन्होंने बारे में आवेदन दे करके थाने में शिकायत किया है कि गदीवल साकेत और बाबूलाल साकेत जो आपस में रिश्तेदार हैं, इनके द्वारा उनके बछड़े की हत्या की गई है, जिसके संबंध में प्रकरण कायम कर लिया गया है और पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है। जिला के तेउथर तहसील के अमाव समिति के मटियारी गांव के सेल्समैन धीरेन्द्र मिश्रा के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लागल रहा है। अपने को बताई दी कि सेल्समैन के ऊपर गरीब लड़कन के सरकारी अनाज का अपने करीबी के जरिए वितरण केंद्र से कढ़वाए के मझियारी गांव के रमेश सिंह के यहां रखवाए के बाद चार घाट मंडी में बेचे के आरोप लागल रहा है। गब्बर मिश्रा रमेश सिंह और ये क्या नाम है सोसाइटी का गेहूं है जो बच्चों के लिए आता है, लेकिन यहाँ धांधलेबाजी चल रही है। रीमा माही चुनावी रंजिश के चलते सड़क खोदाई के मामला अब तूल पकड़त लाहबे। अपने को बताई दी कि मामला कलई के बदरा के गांव वाले तहसीलदार से मिले हम और अपन गुस्सा जताई ही बैजे के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आवा हबे और पटवारी का मौका मुआयना करे खातिर वहां पटवा गा हबे। मैं मेरे गाँव में एक विवाद हुआ था चुनावी रंजिश के चलते। गाँव के विजय मिश्रा, राकेश मिश्रा और उसके सहयोगी प्रद्युम्न पांडे वगैरह रोड खन लिए। कहाँ से की घटना है, कौन जगह? बधरा परवहान टोला थाना सिमरिया जिला रीवा। क्या घटना हुई थी? हम चुनाव जीतने के बाद ये लोग रंजिशन परे तो परवहान टोला 1000 की आबादी वाला गांव है, वहां का रोड खन के अवरुद्ध कर दिए। करीब 20 साल पहले की रोड बनी थी, हमारे पिताजी पहले सरपंच थे पूर्व में, उन्होंने रोड डलवाई थी गाँव के वालों के सबके सहयोग से। ये चुनाव हारने के बाद रोड कर लिए, यही रंजिश चलती रही। हम लोगों ने इनके खिलाफ आवेदन दिया तहसील में जाके, तहसीलदार साहब ने इनको नोटिस दिया और इनसे जवाब मांगा 22 तारीख। और अब बात करी थी रीमा के, जहां सिमरिया विधानसभा के आवे वाली हिनौता बैसन टोला के सड़क के हालत बद से बदतर ही बै। यह सड़क कई अट्ठे गामन से हो के सतना खातिर जाती बै, वहाँ बरसात आए के कारण यह गली और खस्ता हाल हो गए। अपना को बताए दे कि गली में ही मोटरसाइकिल सवार गिर जात हम, कहे से क्यों समझ नहीं पावा कि सड़क में बना गड़बा कितना गहिर है। बीरखाम से सीधे मुख्य मार्ग रीवा के लिए है और इसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि आप दे सकते हैं इस तरह गड्ढों में तब्दील। न इसकी कोई सुनवाई करने वाला है, न देखने वाला, न इसमें मिट्टी डलवाने वाला, कुछ भी नहीं। का हाल चाल है भैया ये रोड के? आए कष्ट है कि नहीं आए? कितना कष्ट है? आए हाँ, माने इतना कष्ट आ है कि हद से ज़्यादा पब्लिक इतनी परेशान ही। रीवा माही पेंशन के निराकरण खातिर जिला माही अलग अलग विभागन के शिविर के आयोजन की जा रहा है। ए बारे माही कलेक्टर मनोज पुष्प बताएं के शिविर 23 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक कलेक्ट्रेट सभागार में लगाई जाये। शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग खातिर 23 जुलाई, जल संसाधन विभाग और लोक निर्माण विभाग खातिर 24 जुलाई का शिविर लगावा जाये। यही मेर से स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग खातिर 30 जुलाई का शिविर लगावा जाये। उच्च शिक्षा विभाग, वन विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग और दूसरे विभागन खातिर 31 जुलाई का शिविर लगावा जाये।
रीमा के चनेह थाना से रेप के मामला सुनिया बल्ला हब अपना का बताई दे कि यहाँ एक नए बने सरपंच और उनके साथी के ऊपर रेप के आरोप लाग हबे। जो उम्मी के जानकारी मिली हो के मुताबिक चित्रकूट के रहने वाली महिला प्रयागराज से लौटत रही और गली में कोनो मेर के साधन न मिले के कारण रेगते जात रही, जेके बाद मोटरसाइकिल में सवार दुई जने जबरई उनका गाड़ी में बैठाई और तालाब के किनारे ले जाए के उनके साथ गैंग रेप करी नहीं बे। वहां पीड़िता जब FIR करावे पहुंची तो उनका FIR घलाय दर्ज नहीं की जात रही है, जिसके कारण पीड़िता पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में ही पहुंच के न्याय खातिर गुहार लगाई नहीं बे। बतावा जाता है कि सरपंच के ऊपर पहले कई एक अपराध पंजीबद्ध हमा। बताइए कहाँ आई हैं आज आप? क्या शिकायत लेकर के आई हैं? जने थाना दे मेरी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जान से धमकी मारने को दे जा रहा। कब की घटना है, कहाँ घटना हुई थी? 14 तारीख। कहाँ घटना हुई थी? छोटी गंगा। क्या कहना है पुलिस वालों को? पुलिस वालों को कहना है कि मेरी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। किसने आपके साथ गलत किया है? धर्मेंद्र सिंह ठाकुर। कौन है ये? राजे चौकड़ा के रहने वाले। ये अभी सरपंच भी गए हैं? हाँ जी। कौन है आप बताइए ना? धर्मेंद्र सिंह ठाकुर। ये सरपंच बने हैं अभी? हाँ। ये बताइए। हाँ, सरपंच जो अभी बने हैं। ठीक है, पहले भी इनके ऊपर कुछ केस लग चुका है? हाँ, इनके ऊपर पहले भी केस लग चुका है, लेकिन एक महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि जने थाना क्षेत्र में उसके साथ कोई घटना कारित हुई है, जिस आवेदन को थाना प्रभारी को भेज दिया गया है उस पर जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। आरोपी कौन है, किसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? उसमें आरोपी का डिटेल लिखा हुआ है, और वो सरपंच उसके द्वारा बताया गया है, परंतु अभी देखना है ये क्या परिस्थिति है, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर खातिर देखते रहिए मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।